Hello kids, I'm Amreen Kagzi, the teacher of Radiant International School. Today I am going to teach you moral values. The title of the story is The Three Friends. So kids, ये एक story है जो तीन दोस्तों पर आधारित है. Once a lovely deer, a strong turtle and a beautiful bird were friends. They lived by the stream in the forest. One day, the deer went in a search of food. So kids, ये तीन दोस्त थे, okay? जिसमें एक था एक प्यारा सा deer, एक हिरन, a strong turtle, एक strong सा turtle था, और एक था एक beautiful सा bird, और वो तीनों भी बहुत पक्के फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे दोस्त थे. एक दिन क्या हुआ, वन डे जो डियर था वो फूड की तलाश में निकला, जैसे शिकार करने के लिए, वो घास खाने या फिर अपने खाने को खाना खाने के लिए वो फूड की सर्च में निकला. व्हाइल लुकिंग फॉर फूड द डियर रन इनटू द हंटर्स ट्रैप एंड वाज कॉच. हेल्प हेल्प ही क्राइड. हियरिंग हिज क्राइज द बर्ड फ्लो इनटू द एयर Looking for the deer. So kids, क्या हुआ, जब जो जो deer था वो food की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था, so वो hunter की जो hunter के trap में वो caught हो गया, पकड़ा गया. Hunter means पता है आपको, hunter means शिकारी, जो जानवरों का शिकार करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ human beings होते हैं जो शिकार करते हैं, सो उन्हें हंटर कहा जाता है. सो हंटर ने एक जाल बिछा के रखा था, एक ट्रैप बिछा के रखा था वहां पर, और जब हिरन वहां से डियर जो था वो फूड सर्च कर रहा था, सो वो उसमें फंस गया, उस ट्रैप में कॉच हो गया, और वो डर गया और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प. सो वहां से उसका फ्रेंड जो बर्ड था, तो वो वहां से जा रहा था, उसने उसकी आवाज सुनी कि डियर रो रहा है, उसकी आवाज सुनी, और वो उसके पास उड़ता हुआ आया. Then he saw the deer caught into the hunter's trap. He went to the turtle and said, "Our friend is caught in a trap. We must save him." बर्ड ने देख लिया कि हिरन जो है वो हंटर की ट्रैप में कॉच हो गया है, उसमें पकड़ा गया है, जाल में फंस गया है. सो वो आया अपने फ्रेंड टर्टल के पास और उसे बताया कि हमारा जो फ्रेंड है डियर, वो हंटर के ट्रैप में फंस गया है और हमें उसे किसी भी तरह से बचाना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए. ये सारी बात उसने टर्टल से आकर कही. द बर्ड लेट द टर्टल टू द डियर. एट वंस द टर्टल बिगन टू कट द रोप विथ हिज शार्प टीथ. द डियर मीनवाइल फ्लोज द हंटर हर्ट. सो किड्स, जो द बर्ड और टर्टल ने डिसाइड किया कि हम डियर की लाइफ को सेव करेंगे, उसे बचा लेंगे. सो बर्ड ने डियर टर्टल को उसके डियर के पास तक लेकर आया और फिर जो डियर जो ट्रैप में फंसा था, जो जाल में फंसा था, वो रस्सियों की बनी हुई थी, रोप्स थे. सो टर्टल अपने शार्प टीथ से, टर्टल के टीथ जो होते हैं ना, वो काफी शार्प होते हैं, सो वो अपने शार्प तेज होते हैं, सो उन नाइफ की तरह, सो वो अपने तेज से उस ट्रैप को, उस जाल को कट करने की ट्राई करने लगा जिसमें डियर फंस चुका था. और उसी वक्त जो बर्ड था वो हंटर की हट की तरफ, जो हंटर जो झोपड़ी बना के फॉरेस्ट में रह रहा था, सो वो उसकी झोपड़ी की तरफ वो गया. जस्ट एज सेड द हंटर केम आउट ऑफ हिज हट, द बर्ड बिगन पेकिंग एट हिम. Scared, the hunter ran into his hut. Then the bird flew to his friend. जो हंटर जिस हट में रहता था, जिस झोपड़ी में रहता था, सो बर्ड उस झोपड़ी के पास आया और उसका वेट करने लगा कि हंटर आएगा. और जैसे ही हंटर अपनी हट से बाहर निकला, सो बर्ड ने उसके उसको अपनी चोंच से और अपने फेदर्स, अपने परों से उसको मारना स्टार्ट कर दिया. जो बर्ड्स होते हैं, देखा होगा ना आपने, अपनी चोंच से वो किसी पर भी अटैक करते हैं, वैसे ही हंटर पर बर्ड ने अटैक किया और अपनी चोंच से उसको मारने लगा, उसको पर उसको. और जो हंटर था वो काफी डर गया, ही वाज स्कैर्ड,
वो डर गया और अपनी हट के अंदर भाग कर चला गया। और जो बर्ड था वो फिर से उड़कर अपने फ्रेंड्स के पास आ गया। देन क्या हुआ पता है आपको? मैन वाइल द टर्टल हैड कट ऑल द रोप्स, उस वक्त ये सब जब हो रहा था हंटर और बर्ड्स के बीच में, सो उसी दौरान जो टर्टल था उसने अपने शार्प टीथ से जो ट्रैप था जिसमें डियर फंस गया था उसको उसने कट कर दिया और डियर फ्री हो गया। द डियर वॉज फ्री। थैंक यू फ्रेंड, ही सेड। सडनली द बर्ड अपियर्ड एंड सेड, रन, द हंटर इज कमिंग। जो टर्टल था उसने जब डियर को फ्री कर दिया, डियर ने उसके फ्रेंड को थैंक यू कहा कि थैंक यू माय फ्रेंड। और जिस वक्त उसने थैंक यू कहा, सडनली उन्हें नजर आया कि बर्ड जो है वो आ गया और कहने लगा, आवाज देने लगा अपने फ्रेंड्स को कि रन, भागो, वो हंटर जो है वो आ रहा है, द हंटर इज कमिंग। द डियर रैन अवे एंड द बर्ड फ्लो इन टू द स्काई। जो डियर था वो भाग गया, डियर्स तो बहुत फास्ट भागते आपको पता है, वो भाग गया और बर्ड जो था वो हवा में आसमान में उड़ गया स्काई में। हाउएवर द हंटर मैनेज टू कैच द टर्टल। और इस वक्त क्या हुआ, जो टर्टल था आपको तो पता होता है टर्टल थोड़ा स्लो चलते हैं, तो जब बर्ड स्काई में फ्लो चला गया, फ्लाई कर गया, डियर भी भाग गया, रन अवे, लेकिन जो टर्टल था उसको हंटर ने देख लिया और उसको पकड़ लिया, उसको कैच कर लिया। ही टाइड द टर्टल विद अ रोप एंड हंग इट ऑन अ ब्रांच। द बर्ड सॉ एवरीथिंग। जो टर्टल जिसको पकड़ लिया हंटर ने उसको एक रोप से, एक रस्सी से उसको बांधा और उसको एक ट्री का जो ब्रांच था, जो पेड़ की टहनी थी, उससे उसको लटका दिया, उसको हंग कर दिया, उसको लटका दिया। और ये सारा जो इंसिडेंस हुआ उसको बर्ड ने देख लिया। ही टोल्ड द डियर अबाउट द टर्टल। द डियर मेड द हंटर चेस हिम अंटिल द हंटर लॉस्ट हिज वे। देन ही रिटर्न टू द ट्री एंड सेट द टर्टल फ्री। बर्ड ने सारा ये जब किस्सा देख लिया कि हंटर ने टर्टल को हैंग कर दिया रोप से बांधकर ट्री की टहनी पर, ट्री की ब्रांच पर, सो उसने कहा डियर से, ये सारी बात आकर उसने टर्टल के बारे में जो जो हुआ उसने सारी बात आकर डियर को बताई। सो डियर ने क्या किया, डियर ने हंटर के पास से वो गुजरा और उसको चकमा देने की कोशिश की, उसको फंसाने की कोशिश की। जो वहां से जो डियर भागा और जब डियर वहां से गुजर रहा था तो हंटर ने उसे देखा और हंटर उसके पीछे भागा, डियर को, डियर का शिकार हंट करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए हंटर उसके पीछे भागा। और जब वो, और जो बर्ड था वो रिटर्न कहाँ पर आया, टर्टल के पास आया, ट्री के पास आया टर्टल को फ्री करने के लिए। एज सुन एज द टर्टल वॉज फ्री ही हाइड इन अ पॉन्ड। और जैसे ही बर्ड ने टर्टल को आजाद कर दिया, उसको आजाद कर लिया, और हंटर जो था वो खो गया रास्ता, वो भूल गया कहाँ से वो आया था, उसको डियर ने इतने दूर तक लेकर चला गया कि वो अपने घर का रास्ता ही भूल गया और जहाँ पर टर्टल को उसने हैंग किया था वो भी भूल गया। और जब तक वो आता उस जगह पर, रिटर्न आता, तब तक डियर ने और बर्ड ने अपने फ्रेंड टर्टल को उस रोप से फ्री कर दिया और वो सारे छिप गए। कहाँ छिपे पता है आपको? ही हाइड इन अ पॉन्ड। जो टर्टल था वो पॉन्ड में चला गया। आपको तो पता है जो टर्टल्स होते हैं वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, अंडर वाटर भी वो रह सकते हैं। तो जो टर्टल था वो पानी के अंदर, अंडर वाटर छुप गया पॉन्ड में। और जो डियर था वो, द डियर रन अवे एंड द बर्ड रिटर्न टू हिज नेस्ट। जो बर्ड था वो अपनी नेस्ट पे चला गया और जो डियर था वो वहां से भाग गया। इस टुगेदर दे हैड सेव देमसेल्फ फ्रॉम द हंटर। और इसी तरह से उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया अपनी यूनिटी से और अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को की लाइफ्स को उन्होंने सेव किया। सो किड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज अवर स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। हमारी जो स्ट्रेंथ होती है किड्स वो होती है यूनिटी में। अगर कोई भी काम हम सब मिलजुल कर करते हैं अगर, सो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअली अकेले जो कुछ काम अगर हम करने की कोशिश करते हैं,
तो वो कभी कभी हमसे नहीं हो पाता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो यूनिटी में ही हम अच्छे से कर सकते हैं। जिस तरह से अगर डियर अकेला होता, अलोन होता वो, तो वो अपने आप को उस ट्रैप से आजाद कर पाता? नो, ये बहुत मुश्किल होता उसके लिए। लेकिन विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड टर्टल और बर्ड की हेल्प से उसने कितने इजीली वो उस ट्रैप से निकल गया। और इसी तरह से उन तीनों फ्रेंड्स ने यूनिटी के साथ जो काम किया, तो उन्होंने इजीली कर लिया। इसी तरह से हमें भी हमारी लाइफ में, हमें भी सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत होती है हमारी, यूनिटी में ही हमारा स्ट्रेंथ होती है। सो केट, आप कोई भी अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा हमारी फैमिली के साथ मिलजुल कर काम करना है, और हमेशा हमें यूनिटी में वर्क करना है, और यूनिटी में किए जाने वाले काम ऑलवेज हम उसको उसमें सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, स्टे होम, बी सेफ।